प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 सितंबर 2022 और 12 सितंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टूडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली आपको 6:30 पर मेरी लाइव क्लास मिलती है, 10 या 12 मिनट की ये क्लास आपको मिलती है। और मान के चलो आपका यहाँ से इंडिया करंट का क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा। तो डेली आपको बड़े ही शानदार क्वेश्चनों के साथ ये क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम कल आपको संडे था, संडे के दिन आपको पता है वीकली आपको वीडियो मिल चुका है, तो हम परसों के जो क्वेश्चन हैं उनका हमें रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 132वां। हाल ही में किसने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हमारे नए जो मुख्य न्यायाधीश हैं यूयू ललित ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो पहला है नीलांबूर केरल, दूसरा है त्रिशूर केरल और तीसरा है वारंगल तेलंगाना। तो इन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। हाल ही में BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस कंपनी को मिले हैं? ये मिले हैं मास्टर कार्ड को। हाल ही में पीटर्स एल्बर्स को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो इंडिगो जो एयरलाइन है वो पीटर एल्बर्स को इस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया। हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो ये करेंगे नई दिल्ली में। तो ये परसों के क्वेश्चनों का रिवीजन था। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? यानी कि किस देश के जो राष्ट्रपति है उन्होंने किया है भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो है सिंगापुर। किस देश ने, सिंगापुर के गणराज्य ने क्या है भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? देखो मुख्य तथ्य, सिंगापुर गणराज्य की राष्ट्रपति है महामहिम मैडम हलीमा याकूब ने। कौन है? राष्ट्रपति महामहिम मैडम हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा, यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को प्रतिष्ठित पिंगट जस्सा जेमिलंग टेंटेरा यानी कि मेधावी सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया है। अगर आपको ये ना दे ये दे दे तो प्रतिष्ठित, इसका ध्यान रखना, पिंगट जस्सा जेमिलंग टेंटेरा इसको बोला जाता है और मेधावी सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया। किसको? अभी सुनील लांबा को। सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हैन ने 8 सितंबर 2022 को सिंगापुर रक्षा मंत्रालय में आयोजित एक भव्य अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति की ओर से एडमिरल सुनील लांबा को इस पुरस्कार से इनको प्रदान किया है। तो ये ध्यान रखना, सिंगापुर गणराज्य की राष्ट्रपति के द्वारा इनको ये सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो ये आपको पता ही है किसने की है, राजस्थान के द्वारा 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। राजस्थान सरकार ने शहरी इलाकों में ज़रूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी शुरुआत की है। तो जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है और 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने का एक योजना की है राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 2 नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ने। क्या है, मुख्यमंत्री ने राज्य में 2 नए जिलों का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 9 जिले 2 नए जिलों शक्ति और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का उद्घाटन किया है।
तो एक तो है शक्ति और दूसरे हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई और पिछले 4 साल के दौरान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 6 नए जिले मिले हैं। कांग्रेस प्रदेश को क्या है, 6 नए जिले मिले और अब 2 नए जिलों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखो, हाल में यूएन ने मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो यूएन ने मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं वोल्कर टर्क। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्कर टर्क। देखो मुख्य तथ्य, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया की वशिष्ठ राजनयिक वोल्कर टर्क को वैश्विक निकाय का मानवाधिकार प्रमुख नियुक्त किया है। तो ये क्या है, ऑस्ट्रिया के वशिष्ठ राजनयिक वोल्कर टर्क है, इनको वैश्विक निकाय का मानवाधिकार प्रमुख नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने चीन में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, इस समय के लिए ये नियुक्ति की गई है। टर्क ने इस पद पर आसीन रही मिशेल बाचेलेट का स्थान ग्रहण किया है। पहले कौन थी, मिशेल बाचेलेट का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है और ये अब कौन बन चुके हैं, वोल्कर टर्क बन चुके हैं, ध्यान रखना। अगला देखो, हाल में मंगोलिया के राष्ट्रपति ने किसको घोड़ा उपहार में दिया है, हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति ने किसको घोड़ा उपहार में दिया है, तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह को। ये अभी मंगोलिया और जापान की यात्रा पर रहे हैं, तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने क्या है, राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया है। देखो मुख्य तथ्य है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन मंगोलिया और जापान की यात्रा पर रहे। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली मंगोलिया यात्रा है, यानी कि जो कोई भारतीय रक्षा मंत्री है उनकी पहली ये मंगोलिया यात्रा है। इस मुलाकात में उन्होंने राजनाथ सिंह को मंगोलिया का राजसी घोड़ा भेंट किया है। इसका नाम क्या है, राजसी, ध्यान रखना कौन सा है, राजसी घोड़ा भेंट किया है। इससे पहले मोदी जी को 7 साल पहले मंगोलिया यात्रा के दौरान घोड़ा भेंट किया गया था। तो पहले मोदी जी को भी 7 साल पहले क्या है, मंगोलिया की यात्रा के दौरान क्या है, उनको घोड़ा भेंट किया गया और अब राजनाथ सिंह को क्या है, मंगोलिया की यात्रा पर रहने से राजसी घोड़ा भेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं, तो अभी ये फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर आदमी बने हैं गौतम अंडानी। कौन बने हैं, 1 नंबर पे भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अंडानी और मुकेश अंबानी हैं भारत के 2 नंबर पे मुकेश अंबानी। फॉर्च्यून इंडिया की 2022 के लिए भारत के सबसे अमीर की सूची के अनुसार भारत में स्थित 142 अरबपति की अरबपतियों की संपत्ति सामूहिक रूप से 832 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी कि 66.36 ट्रिलियन रुपए है। उसमें 1 नंबर पे है गौतम अंडानी 129.16 और दूसरा है मुकेश अंबानी 94.57 है, इनके मिलियन डॉलर के साथ ये पहले और दूसरा स्थान इनको मिला है। तो भारत में सबसे अमीर आदमी गौतम अंडानी बन चुके हैं और विश्व की अगर बात करें तो विश्व में इनका 3रा स्थान आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बना है, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बना है, ये बना है बिहार में। किस राज्य में बना है, बिहार राज्य में। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, मोक्ष की भूमि गया में, कौन सी है, मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर, कौन सी नदी है, फल्गु नदी पर बने इस रबर डैम का उद्घाटन किया है और यह डैम 400 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। क्या है इसकी ऊंचाई, 400 मीटर तो ये चौड़ा है और 3 मीटर ये ऊंचा है, और कौन सी नदी है, फाल्गु नदी पर इसने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। आधुनिक तकनीक पर आधारित इस रबर डैम को गयाजी डैम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, गयाजी डैम इसको नाम दिया गया, तो आधुनिक रबर डैम को गयाजी डैम इसको नाम दिया गया है। अगला देखो, हाल में किस आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया लॉन्च किया है, तो किस आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया लॉन्च किया है, नीति आयोग ने, किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने। विश्व संसाधन संस्थान भारत के सहयोग से नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है, किसने, नीति आयोग ने। इसका उद्देश्य क्या है, ऑन ग्राउंड प्रदर्शन पायलटों और साक्ष्य आधारित अनुसंधान द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया लॉन्च किया है नीति आयोग ने।
हाल ही में सेना और किस संगठन ने सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सेना और डीआरडीओ के द्वारा, किसके द्वारा? सेना और डीआरडीओ के द्वारा सरफेस एयर टू टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने उड़ीसा तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्तर से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने बताया कि इस मिसाइल प्रणाली के 6 परीक्षण सफलतापूर्ण कर लिए गए हैं। कितने? 6 परीक्षण इसके सफलतापूर्ण किए गए हैं डीआरडीओ ने बताया, और अभी भारत के उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की है? ये की है उड़ीसा के राज्य सरकार ने। उड़ीसा की राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो मुख्य तथ्य, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में छाता सेम अर्थात छत से जल वृत्त तक कृत्रिम रूप से वर्षा जल का सामुदायिक दोहन और संचयन योजना शुरू की है, और नई योजना को पिछले महीने कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी, और इससे 5 साल की अवधि के लिए इसको लागू किया गया है। तो ये ध्यान रखना, छत से जल वृत्त तक कृत्रिम रूप से वर्षा जल का सामुदायिक दोहन और संचयन योजना शुरुआत की है उड़ीसा सरकार ने। अगला देखो, हाल में किस टीम के कप्तान एरॉन फिंच ने वनडे से संन्यास लिया है? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया टीम के ये कप्तान हैं एरॉन फिंच, इन्होंने क्या है वनडे से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 सितंबर को वह अपना आखिरी वनडे मैच खेलेंगे। तो 11 सितंबर को वह आखिरी वनडे मैच खेलेंगे। फिंच इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में कंगारू टीम की अगुवाई करेंगे। भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने वनडे से संन्यास ले लिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 सितंबर को अपना आखिरी वनडे मैच खेलेंगे, और इस साल क्या है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में कंगारू टीम की अगुवाई करेंगे। अगला देखो, हाल ही में हिमालय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 9 सितंबर को। कब है? 9 सितंबर को हिमालय दिवस 2022 बनाया गया है। हिमालय परिस्थिति तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, और इस बार हिमालय दिवस की थीम क्या रही है 2022 को, हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी, थीम के तहत बनाया गया है। भी इसकी थीम क्या है? भी हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी। तो हर साल ये 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल में अनिष्का बयानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू, हाल में पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों का विकास उन्होंने किया जाएगा? 10,000, 12,500, 14,500 या 16,000? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अब आपको फर्स्ट ग्रेड और राजस्थान हाईकोर्ट LDC के लिए और दिल्ली पुलिस एग्जाम होने वाला उनके लिए स्पेशल आपको अभी आर्थिक परिदृश्य यानी कि भारत में जो आर्थिक समीक्षा है उसका अलग से आपको वीडियो मिलेगा, जो क्योंकि नए आंकड़े अब आ चुके हैं, नई जो आंकड़े बदलाव हो चुके हैं उसके लिए आपको अलग से आपका आर्थिक समीक्षा का वीडियो मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।